वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा अपने टेंसेस पर। ठीक है, हमने कल के असाइनमेंट में पढ़ा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करके। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे हमने, उसमें एसआईएस का यूज पढ़ा था कि कहाँ पर हमें एसआईएस लगाना है, कहाँ हमें नहीं लगाना, कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का सबसे बड़ा रोल। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा आपको वर्ब्स भी लर्न करनी है, जो आपके ग्रामर बुक में जो वर्ब का जो टॉपिक है ना, उसमें जो वर्ब्स दिए हुए उनको भी लर्न करो, क्योंकि हिंदी में आप हिंदी सेंटेंसेस जब दिए जाएंगे तो उसमें वर्ब लिखी होंगी, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको आने चाहिए ताकि आप परफेक्ट वर्ब का यूज कर सकें। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बता दिए थे बेटा, आज हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको एसआईएस का यूज बताया था, अब हम उस एसआईएस के यूज को हटा देंगे। ठीक है, वो खाली अफर्मेटिव में था, आज हम नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करेंगे, वो एसआईएस हट गया, डू डज लगाएंगे। ठीक है, डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज खाली अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। ठीक है, डू डज का यूज हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं करते, क्योंकि अफर्मेटिव में हम वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो डू को डिवाइड कर रही हूं मैं, डू और डज को। डू का यूज करना आप जब आपके पास सब्जेक्ट आई यू वी दे हो सब। ठीक है, और डज का यूज करना जब आपके पास सब्जेक्ट ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर नेम हो तब, जैसे He blank play no sorry he blank not play football। इसमें मैं do या does लिख रही हूँ। अब देखो पहचानना है आपको कि he के साथ हम कौन से helping verb लगाएंगे, do लगाएंगे कि does लगाएंगे, जल्दी बताओ, does लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना कि he she it या any name हो तो उसके साथ हम कौन से helping verb लगाएंगे, does। तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो वो आई आ गया, आई के साथ हमें डू हेल्पिंग वर्ब लगाना। ये तो हो गया बेटा हेल्पिंग वर्ब का यूज। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से, यहाँ बीच में स्लैश मैंने इसीलिए लगाया है कि इन दोनों में से एक आपको यूज करनी है, प्लस नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म। इसमें नॉट लगेगा क्यों, क्योंकि कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम घर नहीं जाते हैं। पहचान आपने पढ़ी थी कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, हम घर जाते हैं, कौन सा है, अफर्मेटिव, हम घर नहीं जाते हैं, वो कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। आप देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का इंग्लिश क्या होता है, कल के असाइनमेंट में लर्न किया होगा आपने, वी, और वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज, कौन सी लगाएंगे, डू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब कौन सी है, जाना यानी कि गो, कहाँ जा रहे हैं, घर, टू होम, क्या बन गया, वी डू नॉट गो टू होम, बन गया ना सेंटेंस। अब जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ती है, फिर दोबारा से आ जाओ, पढ़ती है वह, यानी कि लड़की है ना, तो शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज, और फिर नॉट, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, क्या पढ़ रही है, किताब।
शी डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है बेटा, आज के असाइनमेंट में भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं हिंदी में, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। ट्राई कीजिए, अपनी तरफ से और भी एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए और साथ साथ इनके स्ट्रक्चर को भी लर्न करते रहिए। ठीक है, आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव में क्या रूल था, नेगेटिव में क्या था। आप लर्न रखोगे तो आगे प्रीवियस जो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार आप टेंस भूल गए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।